हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल चैप्टर के लिए, और जिसमें से हमने स्टार्टिंग में ही जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उसी समय कुछ वीडियोज अपलोड किया था, उसके बाद हमने छोड़ दिया इसको। तो चलिए आज हम एक नए सिरे से एक्सरसाइज 1B को सॉल्व कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? एक्सरसाइज 1B एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल चैप्टर का पेज नंबर आप A17 देखेंगे, पेज नंबर A17 देखेंगे। बच्चों आप का ये एक्सरसाइज 1A जो है वो इनकम्प्लीट है, तो आप हमें कमेंट करेंगे कि उसमें भी दिक्कत है, तो मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन एक नए सिरे से, क्योंकि वो पुराना वीडियो का अधूरा पार्ट है, तो मैंने उसको रिव्यू नहीं किया है कि किस स्टाइल में मैंने उस समय पढ़ाया था, इसीलिए उसको रिव्यू करने के बाद ही उसको मैं आगे खींचूंगा। उसमें अगर कुछ अधूरा कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो मैं उसको पहले रिव्यू करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक नए सिरे से एक्सरसाइज 1B को शुरू कर रहा हूँ। आपको 1A भी पढ़ना है तो आप हमें कमेंट कर देंगे, लेकिन आज आप पहले 1B पढ़ लीजिए, है ना। चलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानेंगे, आप फॉर्मूला जानते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन ही आपको इस चैप्टर में हार्ड करा देता है किसी क्वेश्चन को। आप एक फॉर्मूला मात्र जानिए, A+B का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब। क्या जानते हैं आप? तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए, वो है हमारा A³ + B³ + 3A²B। एक बार A पे स्क्वायर B, तो दूसरे बार A पे कुछ नहीं B पे स्क्वायर, यानी एक बार A पे स्क्वायर तो B, फिर एक बार A और B पे स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? एक बार A पे स्क्वायर, एक बार B पे स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। और कोई फॉर्मूला आप जानते ही नहीं है, और अगर आप अभी तक जान रहे थे तो सबको भूल जाइए। 2 सेकंड का टाइम है आपके पास, 1 2 गायब, ओके। चलिए ये फॉर्मूला आप जानते हैं, बोले हाँ सर ये फॉर्मूला आप जानते हैं, और क्यूब वाला आप कोई फॉर्मूला नहीं जानते, ओके। तो चलिए अब मैं इसी से एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकता हूं, वो आप देखिए A³ + B³ + यहां देखिए 3AB, यहां भी 3AB, यहां A दो यहां एक, तो कॉमन क्या होगा? एक लोएस्ट पावर वाला कॉमन होता है। यहां B और यहां B² क्या कॉमन होगा? B। A+B आपका बच गया। अब आप कहेंगे कि सर हम कब कौन फॉर्मूला यूज करें, यही तो कंफ्यूजन हो जाता है सर। तो अब तो आप कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। तो बच्चों देखिए, जब आपके पास कोई वैल्यू दिया हुआ हो और वो वैल्यू इस तरह से दिया हो, जैसे x into y, a into b, a+b, x + y, जब इस तरह का कोई वैल्यू दिया हुआ हो आपको, या फिर वैल्यू फाइंड करना हो किसका किसका, दोनों का इंटू दिया हुआ हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर एक्स वाला हो तो दोनों का इंटू और दोनों का सम दिया हुआ हो या पूछा हो, उसी तरह से इसका इंटू और इसका सम दिया हो या फिर पूछा हो, तो बच्चों आप इसको क्यों लगाएंगे? आप ही बताइए, दोनों एक ही फॉर्मूला लेंगे, इसको आप क्यों लगाएंगे? आपको लगाना चाहिए यहाँ ए बी है, देखिए ए बी है और a+b है, तो a+b है। तो जब ये वैल्यू दिया हुआ हो तो ये सेकेंड फॉर्मूला लगाना है, और जब वैल्यू नहीं दिया हुआ हो तो जनरली क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। समझ आ गया होगा आपको? अब देखिए ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे, और आप हमें कमेंट करेंगे, एक ग्रुप बनाइए कमेंट करने वाला। कैसा ग्रुप? अगर जो भी स्टूडेंट्स एक्सपेंशन एंड पावर ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल पढ़ रहे हैं हमसे, वो एक सुर में कमेंट कीजिए, और कोई दूसरे चैप्टर के लिए फालतू से हल्ला मत कीजिए, है ना। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा 17 चैप्टर अगर है तो 17ों का कमेंट आ चुका है, सर हमको ये पढ़ना है दूसरा ये, कोई ट्रायंगल पढ़ना है तो कोई ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, कोई लॉगरिथम पढ़ना है तो कोई एक्सपोनेंट पढ़ना है। तो बच्चों
माइंड पजल हो गया। हम मुझे फील हो रहा था शुरू में कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई और उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन इतना कमेंट ही आता है कि अब मुझे समझ में आता है। तो बच्चों मैं कमेंट को इग्नोर बिल्कुल नहीं करूंगा, इसीलिए हम हर कमेंट में हर्ट आपको देता हूं। हर्ट देने का मतलब ये हुआ कि मैंने आपके कमेंट को पढ़ा है, उस पर मैं विचार कर रहा हूँ, और अगर रिप्लाई देने का अगर होता है तो मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। ओके बच्चों, तो देखिए ये हो गया। आप हमें कमेंट करें, हर वीडियो को देखने के बाद आपसे मैं कुछ थोड़ी ना मांग रहा हूँ, ना कभी मांगूंगा, है ना। आप बस इतना सा है कि एक लाइक और दूसरा कमेंट, है ना। कमेंट कुछ भी आप ओके सर भी लिख देंगे या फिर थैंक यू सर कुछ भी आप लिख देंगे तो वो कमेंट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। अब आप देखिए इसी से फिर हम डिराइव करेंगे। देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। इसी से हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। अभी आप दो फॉर्मूला जान गए हैं और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, है ना। अब हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला लेते हैं, गलती से मैंने मिटा दिया। माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ भी कंफ्यूजन होता होगा कि सर सब में माइनस है एक रो में प्लस क्यों ले लिए, ये भी फॉर्मूला याद करने में आपको दिक्कत और असुविधाएं होती है, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको जस्ट बता दिए देता हूं। जस्ट बता दिए देता हूं का मतलब समझते हैं, देखिए यहां देखिए स्टार्टिंग करेंगे ए से, फिर ए क्यूब लिखे तो बी क्यूब पहले लिख दीजिए, मेरा स्टाइल है बुक में ये बाद में लिखता है, है ना। ए क्यूब लिख दिया पहले, फिर बी क्यूब पे भी माइनस, इसमें भी माइनस, और देखिए फर्स्ट में प्लस और लास्ट में प्लस। पहले ए आया है तो पहले ए पे स्क्वायर बी, और फिर बाद में ए पे नहीं बी पे स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं, ए से स्टार्टिंग हुआ तो पहले ए पे स्क्वायर फिर बी पे बाद में स्क्वायर, और फर्स्ट एंड लास्ट वाला में प्लस और बीच वाला में माइनस, बोले याद हो गया। और इसी से जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए, और यहाँ माइनस कॉमन है तो यहाँ प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है ए माइनस बी। यानी आपको ये समझ आया कि जब ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ हो तो इसी से समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूला लगाना है। अगर a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ हो तो पहले जो हमने मिटा दिया उस फॉर्मूला को लगाना है। ए बी तो दोनों में होगा, प्लस वाला में भी और माइनस वाला में भी। तो उम्मीद करते हैं कि आपका कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा, और अब जो होगा वो गर्दा उड़ेगा। क्या उड़ेगा, गर्दा, क्योंकि दो दिन से बारिश होने के बाद मौसम कूल कूल है। और बच्चों मैं थोड़ा धीरे धीरे आज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं बेसिक का क्लास में मैं धीमे धीमे चलता हूँ, उसके बाद फिर बहुत फास्ट हो जाता है। तो चलिए आइए शुभ हाथों से मैं वार्ड नंबर को सॉल्व करता हूँ। जाने ये कौन सा नशा करता हूँ। चलिए वन नंबर देखिए बच्चों, ये लिख रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पे ही इसको बनाना है, उसका क्यूब करना है। तो आपके पास दिया हुआ है, अब मैं स्पीड से क्योंकि ये बहुत इजी है, आप एक में देखिए, सिंस a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये लिखेंगे therefore y प्लस वन का क्यूब इक्वल टू a के जगह पे y क्यूब प्लस b के जगह पे वन क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, है ना, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया y क्यूब प्लस वन प्लस थ्री वाई स्क्वायर और माइनस थ्री वाई, प्लस थ्री वाई,
तो इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ए क्यूब प्लस ये 3y² और प्लस 3y और प्लस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों कि आप पावर जो है डिग्री जो है वो 3210 इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आंसर दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ही ये फॉर्मूला को इधर उधर कर दिया जाता है, लेकिन बच्चों को हाथ लगने लगता है क्योंकि बीच में प्लस और माइनस आ जाता है, इसीलिए हाथ हो जाता है, इसलिए मैं उस फॉर्मूले को नहीं बताता हूं। चलिए देख रहे हैं, कल होल डे लाइट नहीं है, अदरवाइज कल ही एक्सपेंशन का सॉल्यूशन हो जाता है। अब देखिए क्या हो गया, मूड खराब हो गया, अब मेरा मेकअप भी खराब हो जाएगा और आपका वीडियो भी नहीं आएगा टाइम पे। मैंने 12 बजे कमेंट किया है, किसको? आदित्य को, आदित्य यूपी से है। आदित्य जी आप अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, आप इसी तरह कमेंट करते रहिए और हमें पूरे यूपी में फैला दीजिए, समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए बच्चों बी नंबर क्वेश्चन क्या करना है उसको देखिए। बी नंबर क्वेश्चन में है x + 4y का क्यूब, तो बच्चों इजी हो गया, ये फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर x + 4y का क्यूब इक्वल टू, देखिए a³ + b³ यानी 4y का होल क्यूब। देखेंगे जब यहाँ दो टर्म इस तरह से दो रहे, कोई भी चीज जैसे 4 और y है, कोई भी दो हो, तो उसको हम लोग होल में लिखते हैं, +3a²b, तो a² अकेला है तो x² और b तो 4y, ये हो गया 3a²b प्लस 3a और b², तो बच्चों देखिए यहाँ दो है ना 4 और y, तो इस पे हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, है ना, ये गलती नहीं करेंगे आप बड़े बड़े क्वेश्चन में यही गलती कर देते हैं। तो x³ प्लस देखिए 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, है ना, और इसका y³ प्लस देखिए 3a²b है, देखिए यहाँ 4 × 3 = 12 x² y प्लस यहाँ देखिए 4 × 4 = 16 × 3 = 48 x² y। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हैं कि ये वाला क्या हो जाएगा उधर हो जाएगा, तो आप अरेंज कर लेंगे, और अगर अरेंज नहीं भी करेंगे तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके बच्चों तो देखिए आंसर क्या है हमारा, है x³ + 12 x² y + 48 x² y² + 64 y³। तो बच्चों आप क्या करेंगे ना, ये बाद में अरेंज करेंगे, या फिर आप क्या कीजिए कि अब फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, तो a³ + 3a²b + 3ab² और b³ को क्या करेंगे बाद में लिखेंगे, तो भी आपका ये क्या करे होगा, बाद में आपका अरेंज से ही आंसर हो जाएगा। ओके तो मैंने आपको इसीलिए सीधा ये a³ b³ को करके बताया, क्योंकि आपको फॉर्मूला जल्दी से याद रह जाए और कोई भी डाउट्स नहीं रहे। तो आप समझते होंगे मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, तो इसीलिए आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। चलिए बी नंबर हो गया, अब सी नंबर क्वेश्चन देखिए। सी नंबर में है, बार बार आंसर पलटना पड़ता है, देखिए 1/2a 1/3b 1/2a + 1/3b का क्यूब ये है, देयरफॉर ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो चलिए 1/2a + 1/3b का होल क्यूब इक्वल टू, देखिए बच्चों a³ यानी देखिए 1/2a का क्यूब प्लस 3a²b, तो 3a ये देखिए दो है ना इस तरह से, तो 3a² और b तो b है 1/3b 3a²b प्लस 3a तो 1/2a a और b का स्क्वायर यानी 1/3b का स्क्वायर और प्लस b³ यानी b है हमारा 1/3b का क्यूब। बोले कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँ ये कट रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं कट रहा है। आज वीडियो येलोइश क्यों हो रहा है, पीले पीले उम्र राजा मेरा वीडियो हो रहा है पीला। देखिए ये यहाँ से इंटू करेंगे तो a और a का क्यूब / 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस यहाँ देखेंगे
थ्री से ये थ्री कैंसिल हो गया है ना, एक टर्म में ही कैंसिल करेंगे है ना, तो ये हो गया। देखिए वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय फोर है ना, और ये हो जाएगा बी, तो बी ए स्क्वायर बी बाय फोर प्लस, इसको देखेंगे। ये देखिए ये थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ये क्या हो जाएगा, थ्री इंटू वन बाय टू इंटू वन बाय नाइन हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप चाहे तो उसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। देखिए ए बी स्क्वायर, तो क्या हो गया वन बाय सिक्स ए बी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे लिख लीजिए वन बाय फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस यहाँ देखिए वन थ्री का क्यूब 27, तो 1/27 बी क्यूब हो गया। अब आप जान रहे हैं कि यही आपका क्या होगा आंसर होगा, या फिर फालतू में क्या कर देगा इसको एलसीएम ले लेगा, तो आपका यही आंसर है 4/6, ये देखिए 4/6 ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ भी क्या किया है 1/8 किया है, तो कर लीजिए आप भी 1/8, ये सब चीज छोटी छोटी है और बेकार है, मोटी बातें नहीं है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको क्यों हार्ड लगता है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एंड पावर क्यों हार्ड लगता है, आप हमें कमेंट करके ये बता दीजिए सिर्फ आज कि एक्सपेंशन आपको हार्ड लगता है, या फिर आप अभी तक एक्सपेंशन किसी टीचर से पढ़े ही नहीं है, ये दो बातें हो सकती है। तो आप हमें कमेंट एक बार कर देंगे कि एक्सपेंशन आपको क्यों हार्ड लगता है, अगर हार्ड लग रहा है तो उसकी वजह क्या है, और दूसरी बात अगर आपको आप पढ़े ही नहीं है तो ये तीसरी बात, तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे। और ये ए वन नंबर का लफड़ा द एंड, टू नंबर का ए नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टू नंबर का ए नंबर क्वेश्चन में है एक्स वन माइनस एक्स का क्यूब, वन माइनस एक्स का क्यूब, बच्चों सिंस लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला बताया, ये बताया ना कि ए वाला पहला और ये वाला लास्ट में प्लस होगा, लेकिन बुक में जो आपका है वो स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से नहीं है, ये आपको याद हो गया। अब मैं इसको भी याद करा देता हूँ, ए क्यूब प्लस थ्री सॉरी माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। अब आप देखिए मैं इसको भी उस ट्रिक से याद करा देता हूँ है ना, यही है, इसको अरेंज इस तरह से करेंगे और याद कैसे रखेंगे मैं करा देता हूँ। देखिए ए वाला में प्लस है तो प्लस, बी वाला में बी क्यूब है तो बी क्यूब है, तो यहाँ माइनस है बी वाला में तो बी वाला में माइनस। अब बच्चों थ्री वाला जो टर्म है ना वो एक में माइनस है एक में प्लस है, तो याद रखिए ए वाला में ए का स्क्वायर वाला में क्या लेना है माइनस, और बी के स्क्वायर वाला में क्या लेना है प्लस। अब आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला और आप लाइफ टाइम कभी भी ये नहीं भूलेंगे। क्या हो गया बच्चों ए में प्लस है तो प्लस, बी क्यूब वाला में माइनस है तो माइनस, और थ्री वाला में एक में प्लस एक में माइनस। तो देखिए ए स्क्वायर वाला में माइनस, याद रखिए ए स्क्वायर वाला में माइनस और बी स्क्वायर वाला में प्लस, ए स्क्वायर वाला में माइनस बी स्क्वायर वाला में प्लस, प्लस हो गया, चलिए बोलस। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बुक में जो दिया हुआ यही है, देयरफॉर वन माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, ए क्यूब मतलब वन का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर, देखिए वन का स्क्वायर और बी तो बी एक्स प्लस थ्री ए, ए है हमारा वन और बी है हमारा एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब। तो बच्चों ये हो गया वन माइनस ये हो गया थ्री एक्स और प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब, दिस इज योर आंसर, आंसर नानसर सब सर, ये हो गया वन माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, वाह 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 मेरे तो वाट लग गए। चलिए बहुत दिन के बाद ये गाना आया है मेरे मुंह में, आप स्वागत नहीं करोगे इस गाने को, करोड़ बच्चा करोड़ रे, चलो करोड़ बच्चा करोड़ रे जल्दी जल्दी परोड़ रे,
थ्री क्या है, थ्री ए माइनस टू बी, थ्री ए माइनस टू बी का क्यूब। ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ये वाला लिख लेंगे, है ना। देयरफॉर थ्री ए माइनस टू बी का क्यूब इक्वल टू, देखिए ए क्यूब यानी दो इस तरह से रहे तो उसका क्या करना चाहिए, ब्रैकेट में लेना चाहिए, माइनस थ्री ए स्क्वायर यानी थ्री ए का स्क्वायर और बी तो टू बी। ये देखिए ये भी ब्रैकेट में, ये गलती नहीं करना है रे बाबा, ये गलती नहीं करना है कि आप थ्री ए स्क्वायर लिख देंगे तब तो आप गए ठाकुर तो गियो, है ना, ये नहीं करना है। हाँ आप इस पे जब पावर नहीं है तो आप इस बच्चे को ऐसे छोड़ सकते हैं रोने के लिए, बट आप जब पावर में रखेंगे तो उसको ब्रैकेट नहीं छोड़ना रे बाबा। चलिए माइनस थ्री ए, ए में देखिए क्या है, अब ए में है थ्री ए, अब बोलेंगे सर यहाँ इंटू का दिए, यहाँ बिंदा दिए थे, तो बच्चा ये सब फालतू सब बातें नहीं बोलने का। और प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में क्या हो गया टू ए टू बी का होल स्क्वायर, देखिए फिर मैंने होल स्क्वायर किया, प्लस बी क्यूब तो फिर टू बी का क्यूब, ये समझ में आ रहा है। चलिए थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन ए क्यूब, देखिए थ्री का स्क्वायर नाइन और नाइन और ये सिक्स, नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर, ये क्या हो गया ए पे स्क्वायर और बी, ये हो गया माइनस, यहां देखिए टू टू जा फोर और थ्री थ्री जा नाइन, नो नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, लगाओ झंडुबम भिक्स, ये हो गया प्लस टू का क्यूब एट बी टू द पावर फोर। मैं आंसर देखू क्या, आंसर इसीलिए देख लेता हूं ना कि कहीं कहीं ना दिमाग मेरा चल जाता है दालमोट खाने के लिए, हल्दीराम का नॉट आई प्रमोट हल्दीराम, ओके। बहुत टेंशन है सोशल मीडिया पे कोई भी बात बोलना, बहुत प्रॉब्लम है। देखे देखे चल देखे देखिए यहाँ पर प्लस होता ना, यहाँ प्लस होता ना, फॉर्मूला यहाँ प्लस है ना, आंख में सोचता नहीं तो हम क्या करें, ठीक है ना, पावर बढ़ेगा मेरा आपका लग रहा है, बहुत मोबाइल चला रहे हैं आप लोग के चक्कर में, आप लोग के चक्कर में नहीं, आप लोग को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम भी बहुत बदमाश हो गए, दिन भर कमेंट देखते रहते हैं आप लोगों का, है ना, अभी नया नया नुनू है ना तो इसीलिए बार बार देखते रहते हैं आप लोग का कमेंट, ये बचपनों में जाता नहीं है, बचपन के हो गए लेकिन बचपन नहीं जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, टू का सी देख रहे हैं, एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू क्यूब, इस पे जो मन सो बोल देते हैं हम। आज मेरा वीडियो पीला पीला हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि क्या है, वोल्टेज कम है शायद, वोल्टेज बहुत कम है बारिश के बाद, बारिश का मौना है, बारिश में पसीना क्या कहना, देखिए पसीना है। चलिए 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 देखिए देखिए देखिए, यही वो कमीना क्वेश्चन है जो आपको पसीना छुटाता है, देखिए देखिए ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक है ना, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, प्लस बी क्यूब यानी वन बाय एक्स का क्यूब। चलिए देखिए ए क्यूब माइनस, यहाँ देखिए ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया थ्री एक्स प्लस, यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर हुआ और देख रहे हैं आप एक लाइन में छोड़ रहा हूँ, देखिए थ्री एक्स और वन बाय एक्स स्क्वायर, कि स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा थ्री बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये समझ गए होंगे, और प्लस वन बाय एक्स क्यूब। ये सब क्वेश्चन में क्या है बच्चा, कुछ भी नहीं है, अभी आपको जादू सिखाएंगे, देखिएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री वन, फिर कुछ माइनस प्लस गलती किया, देखिए 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 आप यहाँ देखिए मेरा बदमाशी, यहाँ देखिए यहाँ माइनस होता है फॉर्मूला में, यही तो दिक्कत है, ये आप भी गलती कर सकते हैं बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं है ना, सीरियस में। चलिए टू नंबर का खेला खत्म,
पता नहीं वीडियो क्यों अच्छा नहीं बन रहा है, हेडेक हो रहा है, फिर भी मैं 3 नंबर बनाए जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हार्ड सब बनाया जाए, इसलिए मैंने ये सब बचपन सबको छोड़ दिया। ए प्लस बी का, अब आप बोले क्या करेंगे हम, अब आप यहाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। सिंस देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, आप ये नहीं करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं दिया हुआ है और ना ही होता है, अभी आप दिमाग मत लगाइए। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब मैं ये कहूं ना, अगर मैं कहूं तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। देखिए बच्चों, देखिए यहां कोई ग्रुप बना लीजिए, या तो आप वन का सिंगल ग्रुप बना लीजिए, इसको एक ग्रुप में ढकेल दीजिए, या फिर आप यहां से दो ठो का ग्रुप बना लीजिए, बी को अकेले ढकेल दीजिए, कहीं भी आप कैसे भी ढकेल देंगे ना तो भी आंसर हो जाएगा। आपके मन में हो रहा होगा कि सर वन प्लस ए को एक साथ रख लीजिए और बी को अकेला छोड़ दीजिए रोने के लिए, तो चलिए आपका हमने बात मान ली। अब दूसरा बच्चा कहेगा कि नहीं सर, आप इसको एक बार ग्रुप में रख के दिखाइए तब ना समझेंगे कि आप काबिल हैं। तो चलिए हम दिखाएंगे दोनों और आप प्रूव करेंगे कि राज सर काबिल है या नहीं है। काबिल हुआ मैं तो काबिल नहीं, चलिए आज प्रूव हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, देखिए ये हो गया वन प्लस ए का क्यूब, बोलिए ए क्यूब, ये क्या है हमारा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी हुआ प्लस 3 ए बी स्क्वायर अब प्लस बी क्यूब हुआ बच्चों। हाँ हो तो गया, अब देखिए मैं यहां से लिख रहा हूं ना, मैं यहां से लिख रहा हूं, देखिए तो आपको पूरा ब्लर दिख रहा होगा और आप ट्राई कर रहे होंगे 1080p पे, है ना, फिर भी आपको मिट्टी मिट्टी लग रहा होगा, है ना। चलिए अब ठीक हो, अब जो भी है पहले से बेटर है। चलिए ए वन प्लस ए का होल क्यूब, देखिए ए क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चलिए यहाँ पे हम लोग बी क्यूब वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी बी के जगह पे क्या है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा यहां से यहां तक किसका, इसके बदले। फिर देखिए प्लस यहां 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो गया, इंटू ये बी है तो बी रहने दिए। फिर ये है बच्चों हमारा प्लस 3, यहां देखिए ये इंटू में है तो 3 ए, ये इंटू कर देते हैं यहां से, यहां अंदर कर दीजिए 3 ए प्लस 3 ए यानी ये नहीं 3 प्लस 3 ए 3 प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हो गया। अब देखेंगे आप 1 का क्यूब 1 प्लस ए का क्यूब ए क्यूब प्लस यहां देखिए ये 1 का स्क्वायर कुछ नहीं तो 3 ए और प्लस यहां हो जाएगा 3 ए स्क्वायर प्लस, यहां पे देखेंगे बच्चों ये हमने क्या किया है इसको सॉल्व किया, तो 3 और यहां बी देख रहे हैं ये 3 भी है और बाद में इंटू भी है, मैं डायरेक्ट इंटू कर रहा हूं तो अंदर चला जाएगा तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा और ये 3 भी हो जाएगा, तो क्या हो गया बच्चों ये 3 भी हो गया। यहां देखिए यहां 2 ए है और इंटू 3 6 ए और 6 और इंटू बी तो क्या हो जाएगा प्लस 6 बी हो जाएगा। ओके समझ पा रहे हैं, फिर से देखिए ये
थ्री और टू है, थ्री टू जा सिक्स ए और बी, सिक्स ए बी हो गया। फिर इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो देखिए थ्री ए स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर इंटू बी, ये हो गया। अब यहां देखिए बच्चों, यहां बी से थ्री को तो थ्री बी स्क्वायर, और फिर यहां से थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब हो गया। इतनी बातें हो गई, मिला लेते हैं, ए ठीक है, थ्री ए ठीक है, थ्री बी ठीक है, थ्री ए स्क्वायर ठीक है, सिक्स ए बी ठीक है, थ्री बी स्क्वायर ठीक है, थ्री ए क्यूब हो गया, ए क्यूब ठीक है, फिर थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री बी स्क्वायर, गजब 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 क्वेश्चन था। अब आपके मन में हो रहा होगा कि सर एक बार ये भी बता दीजिए, आपने जो यहाँ ग्रुपिंग किया है ना, पहले आप a प्लस बी को लिया है और b को अलग में लिया है, a वन प्लस a को लिया है, b को बाद में लिया है, सर क्या हम लोग इसको ग्रुपिंग बना सकते हैं? तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ कि आप उसको भी ग्रुपिंग बिल्कुल बना सकते हैं। कहेंगे मार्कर, अब जो है वन प्लस ए प्लस बी का क्या करेंगे और इसका होल क्यूब करेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू देखिए ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर बी, तो बी के जगह पहले ए प्लस बी, कोई दिक्कत है, थ्री ए स्क्वायर बी तो बी के जगह पे ए प्लस बी, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस बी क्यूब यानी ए प्लस बी का होल क्यूब, बोले को दिक्कत है, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, इतना हो गया। अब मैं फिर से यहां से लिखूंगा, देखिए वन का वन, थ्री ए वन का स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं है तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू ए प्लस बी होगा प्लस, यहां देखेंगे इस वन का कोई वैल्यू नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, थ्री इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, और प्लस यहां देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से, सॉरी होल क्यूब फिर से, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो बच्चों आप देख पाएंगे ये हो गया वन प्लस थ्री ए प्लस थ्री बी और प्लस ये हो गया थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री टू जा सिक्स ए बी प्लस थ्री बी स्क्वायर और प्लस ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, पर टर्म टर्म लेते हैं वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और यही आपका आंसर है। उलट पुलट कुछ भी हो सकता है, आप नंबर ऑफ टर्म और वैल्यू ऑफ टर्म को मैच कर लीजिए बारीकी से। तो आपने देखा कि ये और इजी हो गया पिछले वाले से। तो बच्चों लेकिन हमने ये सिखाया आपको कि दोनों मेथड से क्या है, इजी है नहीं, कुछ भी आप करेंगे अगर आप प्रॉपर वे में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ही आसानी से क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। ऐसा इसलिए करना चाहिए, ये स्टेप 100% परफेक्ट है आपके लिए, इजी है, क्योंकि देखिए बच्चों अगर हमने वन को ग्रुपिंग किया है और इसको एक साथ रखा है तो वन का जो हमेशा स्क्वायर या क्यूब आएगा वो इजी होगा। इसीलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, तो जैसे आपने अगर ए प्लस वन को इस तरह से ग्रुपिंग किया तो यहाँ भी ए का लफड़ा और यहाँ भी बी का लफड़ा, तो दोनों में लफड़ा लफड़ी हो जाएगा तो आपका सॉल्यूशन में भी धपड़ा धपड़ी हो जाएगा। सर व्हाट इज धपड़ा धपड़ी? तो बिकॉज दिस इज ए ब्रिटिश लैंग्वेज इज कॉल्ड धपड़ा धपड़ी। क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई माइनस या प्लस प्लस टू जेड प्लस टू जेड का क्यूब। तो बच्चों देखिए ए माइनस बी इस तरह नहीं सोचेंगे, इसको ग्रुपिंग कर लेंगे, क्या करेंगे देयरफॉर, देखिए आप क्या सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि क्या सोचेंगे बोले, तो
आप x को अकेले रहना चाहते हैं, ये एक्स वाई एक जैसा लगेगा और ये टू है तो इसको अलग कर लीजिए, यानी ग्रुपिंग मेरा होगा x माइनस वाई और प्लस टू जेड और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। आप बोलेंगे सब कर लीजिए, तो चलिए कर ली भी मुझे अच्छे स्टाइल में लेने आता है। इक्वल टू दिस इक्वल टू यहाँ लिखते तो अटता नहीं, इसलिए मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये इक्वल यहां देखिए ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, बी तो टू डेज जेड प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी टू जेड का क्यूब, ये हो गया। कोई दिक्कत है? अब मैं दूसरा मेथड से नहीं बताऊंगा, यही ठीक है। फिर यहां देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और माइनस थ्री या प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, समझ आ रहा है ट्रिक? देखिए थ्री ए स्क्वायर वाला में माइनस और बाद वाला में प्लस, ये हो गया किसके बदले, ये हो गया इसके बदले, यहां से यहां तक इसको देखिए प्लस थ्री, ये वाला बच्चों इधर लिख लेते हैं टू जेड लिख लेते हैं, है ना, और इसको अब कर लेते हैं, यही उस समय भी गलती किया था। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, कम का हो गया ये वाला, हो गया ये वाला यहां हो गया। फिर इसको देखिए यहां देख लीजिए, यहां पे देखिए ये यहां जेड क्यूब है, जेड स्क्वायर है तो थ्री जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई और प्लस ये देखिए थ्री थ्री टू का क्यूब एट जेड क्यूब, ये हो गया। अब आप देखेंगे क्या देखेंगे, देखिए एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस यहां देखिए थ्री टू जा सिक्स जेड एक्स स्क्वायर यानी थ्री एक्स स्क्वायर जेड, ओके। फिर देखिए माइनस थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ये देखिए यहां जेड है यहां एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ओके। फिर यहां देखिए थ्री टू जा सिक्स जेड स्क्वायर यहां जेड है तो क्या हो जाएगा प्लस सिक्स जेड क्यूब, ओके। और इसको फिर देखिए ये हो गया थ्री जेड स्क्वायर एक्स यानी हो गया थ्री एक्स जेड स्क्वायर और माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर और प्लस एट जेड क्यूब, इतना बात हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बार मैच कर देना चाहिए, एक्स क्यूब कहीं नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाई कहीं नहीं होगा और ये होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन टर्म होना चाहिए, आप ये याद रख लीजिए ना बच्चों, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बच्चों याद रख लीजिए जब भी ये वन टू थ्री टर्म में रहे ना तो आपका आंसर जो होगा ना वो टेन टर्म में होगा, और प्लस माइनस तो आप भी मैच कर लो, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए आप मुस्कुराना ना भूलें और दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने घर में अपने परिवार में अपने आस पड़ोस दोस्त दोस्ती सब में आप शेयर करके और उसका मोबाइल जबरदस्ती लेके रास एजुकेशन टाइप करके सब्सक्राइब कर दीजिए। फायदा क्या होगा ना कि हमको जैसे ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर होगा हमको कम्युनिटी टैब मिलेगा जिसमें हम लोग कोई भी पोल कर सकते हैं, आपसे कुछ पूछना हो जैसे मैं छोटा छोटा शॉर्ट्स लगा देता हूँ कुछ भी पूछना होता है तो मैं वहाँ पे कम्युनिटी टैब में आपसे बातें कर सकता हूँ, अच्छा लगेगा और मैं बहुत कुछ उस पर शेयर कर सकूंगा बच्चों। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने मेरे अगर 100 सब्सक्राइबर है 100 स्टूडेंट है मेरे सब्सक्राइबर, हम सब्सक्राइबर उसको नहीं गिनते हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर 100 स्टूडेंट्स अपना एक एक फ्रेंड को अगर से सब्सक्राइब करवा लेता है तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, है ना। तो बच्चों आप मेरे भावनाओं को समझेंगे और प्लीज ये इतना सा हेल्प कर लीजिए और अगर हमको ये 5 दिन में अचीव कर लेते हैं तो मेरा इम्प्रेशन भी बनेगा और हमें फायदा होगा, इसीलिए हमारी भावनाओं को समझें। मैंने आपके कमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन शुरू किया है तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने किसी भी और 2-3 मोबाइल से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।